अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। आप लोगों से मैं जोर देकर कई बार बोल चुका हूं कि कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। इससे क्या रहेगा कि आपको एक अंदाजा रह जाएगा कि कहाँ से मतलब कितने क्वेश्चंस पूछने की संभावना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। और याद रखिए, जितने भी संगठन हैं उन्हें भी आपको याद रखना है, और भारत जिनमें शामिल है, भारत जिनका सदस्य है, उनके बारे में विशेष तौर पर आपको बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। और ये संगठन कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस तरह के आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिए, हम लोगों ने आपके महत्वपूर्ण संगठन जितने भी हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उन सबको कवर कर लिया है हम लोगों ने। तो आप प्ले लिस्ट सूची में जाइए और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है हम लोगों ने। तो चलिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जा रहा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आप देखेंगे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। तो भारत काफी अच्छा काम कर रहा है। अगर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट गढ़ती है अनुमानों के आधार पर दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में आंकड़े जारी करती है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित ऐसा अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि अच्छी बात है हमारे लिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अक्टूबर महीने तक मलेरिया के कुल 1,57,284 मामले दर्ज हुए हैं, जो 2019 की इस अवधि में दर्ज किए गए 2,86,091 मामलों की तुलना में 45.02% की गिरावट को दर्शाता है। यानी कि 2018 के मुकाबले आप देखेंगे 2019 में गिरावट आई है, 19 के बाद आप देखेंगे 20 में भी गिरावट देखी गई है। भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है, और यह देखेंगे 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9% की गिरावट आई है। मैं तो कहता हूं इस तरह की बढ़ोतरी, इस तरह की हमें और भी कहीं तरक्की करनी चाहिए। इतनी हम लोग तरक्की एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि इतने मामलों में हम लोगों ने ध्यान दिया है। और आप जानते हैं कि मलेरिया क्या होता है, इस पर भी बात करते हैं आगे, और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। भारत ने सन 2000 में आपके 20,31,790 मामले और 932 मौतें हुई थी। कब की बात कर रहा हूं, सन 2000 की। और 2019 की अगर बात करें हम लोग तो 3,38,494 मामले, जिनमें से आप देखेंगे 77 कितनी 77 मौतें हुई थी केवल, के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34% की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92% की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है भारत ने। इस तरह सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से छठे लक्ष्य यानी कि 2020 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50 से 75% की गिरावट लाना को हासिल कर लिया है। याद रखिए एक और बात यहाँ बताऊँ आपको, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में भी आपको SDG कहते हैं ना, जिसे आप लोग उन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। 17 है, 17 को आपको अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। आप जाइए इसे भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट सूची में देखिए, सब कुछ कवर करवा दिया गया है। 2019 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में मलेरिया के कुल मामलों के करीब 45.47% मामले दर्ज हुए। भारत के कुल 3,38,494 मामलों में से 1,53,909 मामले, इसके अलावा फिल सिपरम सिपेरम मलेरिया के भारत भर में दर्ज हुए कुल 1,56,940 मामलों में से 1,10,708 मामले इन राज्यों में दर्ज हुए, जो कि कुल मामलों में
70.54% है, और इन्हीं राज्यों से हर 77 में से 49 मौतें भी दर्ज हुई हैं। किनकी बात कर रहा हूं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि काफी पिछड़े हुए राज्य हैं, और इसीलिए आप जानते हैं पिछड़ेपन का एक तरह से इन्हें भुगतना पड़ता है इस तरह से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है आखिर मलेरिया रोग। तो आप सभी जानते होंगे कि मलेरिया मादा एनोलिज जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। यानी कि आप कहते हैं ना कि मच्छरों ने काट लिया, अरे मलेरिया हो गया, वही है। यह एक प्रकार का बुखार है जो ठंड या सर्दी लगकर आता है। मलेरिया रोगी का रोजाना या एक दिन छोड़कर तेज बुखार आता है। ये क्या है? एक तरह से पहचान है मलेरिया बुखार की। मलेरिया के कारण की बात करें तो मलेरिया परजीवी कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप ही देखा जा सकता है। क्या है? ये जो जीव परजीवी होते हैं, कीटाणु होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः मलेरिया के दो प्रकार के परजीवी जिम्मेदार हैं। पहला है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाई वैक्स, ये दो है, ठीक है। ये मच्छर जब मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटता है तब उसके खून में मौजूद प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में खींच लेता है। लगभग 8 से 10 दिन तक ये मच्छर मलेरिया फैलाने में सक्षम हो जाता है, और यह परजीवी लार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में मलेरिया के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो भारत में मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। मलेरिया के अधिकांश मामलों की सूचना देश के पूर्वी और मध्य भागों से प्राप्त हुई है, और उन राज्यों से प्राप्त हुई है जहां वन, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र हैं। इन राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे आप देखेंगे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से मलेरिया के मामलों में तेजी आई है। एक काम और आप कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ जो भी नाले होते हैं उनकी समय समय पर सफाई करवाते रहिएगा, और आप कभी 1 से 2 दिन में पानी बदल देना चाहिए, फिर चाहे आप कूलर का हो या कहीं और भरा हुआ है, क्योंकि इससे भी आपका मच्छर पनपेगा, मलेरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मलेरिया उन्मूलन के प्रयास क्या किए गए हमारी सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में NMCP कार्यक्रम शुरू किया गया, जो बाहर एवं घरों के भीतर DDT का छिड़काव करने पर केंद्रित था। और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में छोड़िए लिखित परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। कई जगह आप देखते हैं कि 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कई जगह आप देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मैं MPPSC की बात कर रहा हूँ तो वहां भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। तो इन जो भी प्रयास किए गए सरकार के द्वारा हमारी, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में NMEP कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सरकार द्वारा, पर आप देखेंगे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय भारत में मलेरिया और अन्य VVDS, डेंगू, लेम्फेटिक फाइलेरिया, काला आजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। पर आप देखेंगे मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फेमबर्ग, भारत सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फेमबर्ग 2016 से 2030 अपनाया गया, और 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। भारत ने 2030 तक मलेरिया के जड़ से खात्मे का लक्ष्य भी रखा है। यानी कि लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम लोग पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे। मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना WHO यानी कि स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 2022 शुरू की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2027 तक भारत को मलेरिया मुक्त किया जाना है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे याद रखिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब आपने देखा होगा कि WHO पहल करती है इस क्षेत्र में। विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया के अधिक जोखिम वाले 11 देशों में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव पहल शुरू की है, इसमें इनमें भारत भी शामिल है। भारत में इस पहल को पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में जुलाई 2019 से शुरू किया गया था। ये WHO की पहल है।
अब WHO के बारे में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है इनके बारे में भी याद रखिए। आप लोग एक बार जाकर महत्वपूर्ण संगठनों की प्लेलिस्ट सूची देख लें, क्योंकि उसमें सभी संगठन कवर करवा दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कोई छूटा है तो बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखते हैं कि 1948 में 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अपने पड़ोसियों की बात करें तो ये है श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। यहां से आप लोग इस तरफ जाएंगे तो ये है यूरोप में आपको एक देश देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, और यहां आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, ठीक है। आमतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO संविधान का पक्षकार बना था। कोविड 19 महामारी के निदान में भी भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो यही कहानी है आपकी मलेरिया जो भी रिपोर्ट है इसके बारे में और WHO के बारे में। इस तरह के जो भी संगठन है मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्हें याद रख लीजिए, उन्हें कंठस्थ याद रख लीजिए जो करना हो आपको, और जो रिपोर्ट जारी करता है उन्हें रिपोर्टों को भी, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा, ठीक है।